आज जो हमारे दो मुख्य काम हैं वो, एक तो हमारा जो म्यूनसिपल काउंसिल जो है चंबा का, उसका विड्रॉल का फाइनल डेट है आज 31, और जो हमारे ज़िला परिषद है और जो हमारा पंचायत समिति है उनके नॉमिनेशंस दायर करने की आज तिथि भी है। तो जो हमारे ज़िला परिषद के नॉमिनेशंस हैं वो SDM कार्यालय में होने हैं, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके लिए बहुत क्लैरिटी है। जिस प्रकार से काउंसिल में हमारे नगर परिषद में थे डॉक्यूमेंट्स, पहले फॉर्म भरा जाएगा, आपका एफिडेविट चाहिए, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो नहीं है आपका। इसके अलावा जो नोडियोस को लेके कुछ विषय कुछ लोग रेज कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी ये है कि नोडियोस जो कैंडिडेट्स हमारे पहले ज़िला परिषद के मेंबर्स रह चुके हैं उनके लिए ये प्रोविज़न है कि उनको DPO ऑफिस से नोडियोस चाहिए पड़ेगा, परंतु जो लोग पहले हमारे ज़िला परिषद के मेंबर्स नहीं रहे हैं वो लोग अपना जो नोडियोस है वो BDO ऑफिस से ले सकते हैं। तो इसके इस प्रकार से यदि कोई उन्हें इशू आ रहा हो तो ये उसकी क्लैरिटी है, और इस प्रकार से अपना नोडियोस बनवाएं। साथ ही जो 3 महीने से पुराने फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए वो इस पर भी लागू होता है। और जो प्रशासन है, अभी जो हमने देखा नॉमिनेशन में जो हमारे MC चंबा के नॉमिनेशन थे उसमें 100% फॉर्म्स हमने अप्रूव भी किए हैं और किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं रेज हो रहा था। तो इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम सहूलियत इस पूरे प्रोसेस में रहे। सर, जिला परिषद को लेकर किस तरीके से खर्चे को लेकर उनको गाइडलाइन दी जाएगी? देखिए, खर्चे का सीधी गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जा चुकी है। इसके अलग अलग जो क्या कहते हैं चुनाव हैं उनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो जैसे कि हमारे MC वाले क्षेत्र में 75,000 की गाइडलाइन है, तो हर एक जो चुनाव है उसके लिए प्रधान के लिए अलग है और ज़िला परिषद के लिए अलग है। परंतु इसमें जो एक बात बहुत ध्यान रखने की है वो ये है कि हमारे ऑब्जर्वर साहब जो हैं वो आप पे निगरानी भी रखे हुए हैं, और कोशिश ये करनी है जो गाइडलाइन कहती है कि 1 महीने जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके 1 महीने बाद के अंदर अंदर आपको अपना अकाउंट की जो डिटेल्स है वो हमारे दफ्तर में जमा करनी है। तो अकाउंट की डिटेल कृपया करके प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें ताकि किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन जिसमें रेज होता है कि आपने लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च किया, उस प्रकार के ऑब्जेक्शन का आपको सामना ना करना।